Namaskar to all the aspirants. Jai Hind. My name is Prateek and I welcome you all to SSB Crack Exams. दोस्तों रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया के दो यूनिवर्सिटीज ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है. इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि अब हम यहाँ पे कुछ इंडियन स्टूडेंट्स को हमारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं देंगे. इन शॉर्ट यहाँ पे इन पर बैन लगाया गया है. दोस्तों ये खबर इसलिए भी शॉकिंग बन जाती है क्योंकि हाल ही में हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के टूर में थे रिसेंटली और हमें कई सारे मेजर डील्स भी प्राप्त हुए थे. बट इसके बावजूद भी ऑन द वेरी सेम डे हमें ये नेगेटिव खबर सुनने मिल रही है. दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे ये आखिर पूरा मामला है क्या, क्यों यहाँ पे जो हमारे भारत के बच्चे उनके जो वीज़ा एप्लीकेशंस ऑस्ट्रेलिया में रिजेक्ट हो रहे हैं और जो फिगर्स हमें जो मिल रही ना दोस्तों ये बड़ी शॉकिंग है. आप यहाँ पे हैरान हो जाओगे. और साथ ही साथ आखिर यहाँ पे मेन कल्प्रेट कौन है, यहाँ पे बच्चे है या फिर ऑस्ट्रेलिया की सरकार या हमें कोई मिडल मैन देखने को मिलता है. तो बहुत सारी चीजें हैं आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले तो इस न्यूज की. तो ऑस्ट्रेलिया की दो यूनिवर्सिटीज, इनका नाम है फेडरेशन यूनिवर्सिटी, ये विक्टोरिया में है, और एक है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ये न्यू साउथ वेल्स में पढ़ता है. हम देखो रिसेंट में तो इन दो यूनिवर्सिटीज ने बैन लगाया है. इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया की कई सारी यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने यहाँ पे इंडिया के कुछ स्टेट्स के जो बच्चे हैं ना उन पे यहाँ पे बैन लगाया. देखो बिफोर यू बिगेन मैं आपको एक चीज बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स से बैन नहीं लगाया गया, इंडिया के कुछ स्टेट्स के बच्चों पे बैन लगाया गया है. और ये कौन से स्टेट्स है मैं आपको आने वाले टाइम में जरूर बताऊंगा. और यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम यहाँ पे जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स के जो इनटेक है हम इनको बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करेंगे, हम इन पे बैन लगाते हैं, ठीक है. और इसका जो मेन रीजन बताया जा रहा है वो ये है, और आपको पता भी होगा वीजा फ्रॉड्स, वीजा फ्रॉड्स का मामला आपको बहुत देखने को मिलता है. और इवन यहाँ पे तो इनके द्वारा बोला जा रहा है कई सारे वीजा तो जेन्युइन भी नहीं थे. तो दोस्तों बहुत ही एक कह सकते हो कि शॉकिंग न्यूज है क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे अगर चलता रहेगा ना तो ये हमारा जो हमारी जो छवि है इंटरनेशनल लेवल पे ये अच्छी नहीं होगी. फिर हमें पता हमारा जो भारत आने वाले टाइम में सुपर पावर बनने वाला है, बट अगर ऐसा अगर चलता रहेगा ना तो ये अच्छी बात तो नहीं होती है. चलो अब बात करते हैं पहले फेडरेशन यूनिवर्सिटी की. इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि हमने हाल ही में कई बार ऑब्जर्व किया है कि जो इंडिया की जो वीजा एप्लीकेशन है ये बड़े रिजेक्ट हो रहे हैं. कहाँ पे, होम मिनिस्ट्री में. देखो जैसे हमारे गृह मंत्रालय है ना वैसे ही वहां पे ऑस्ट्रेलिया में आपको डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स देखने को मिलता है. और यहाँ पे ये जो होम अफेयर्स है ऑस्ट्रेलिया का, इन्होंने यहाँ पे बताया कि हमने यहाँ पे बहुत सारे जो इंडिया के जो एप्लीकेशन है वीजा के हमने उसको रिजेक्ट किया है. तो यूनिवर्सिटी इसी चीज़ का रेफरेंस लेते हुए बोल रहा है कि भैया हम इसका रेफरेंस लेते हैं और हमें यहाँ पे बड़ा डाउटफुल हमें एक तरीके से नेचर हमें प्रतीत हो रहा है और इसकी वजह से हम क्या करें, हम इनको यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दे सकते. और ये ऐसा नहीं कोई एक दो तीन मामले हमें मिल रहे हैं, ये एक ट्रेंड के फॉर्म में देखने को मिल रहा है, ये यूनिवर्सिटी बता रही है. तो ये अच्छी बात तो दोस्तों है नहीं. अगर यहाँ पे इतने सारे हमें फ्रॉड वीजाज देखने को मिल रहे हैं हमारे भारत के बच्चों के और यहाँ पे इवन जेन्युइन भी नहीं देखने को मिल रहे, तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है. इवन यहाँ पे ये तक बोला जा रहा है कि इस साल तो सबसे ज्यादा रिजेक्शन देखने को मिल रहे वीजा के. अब समझो इस बात को, बोला जा रहा है दिस ईयर लगभग 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है. मतलब 10 साल का अगर यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड देखा जाए ना तो इस साल तो पूरा यहाँ पे हद ही हो गई है, सबसे ज्यादा हमें रिजेक्शंस देखने को मिले वीजा के इंडियन स्टूडेंट्स के. तो ये अच्छी बात नहीं है. और यहाँ पे सिंपल वजह, यहाँ पे फ्रॉड और यहाँ पे जो जेन्युइन जो चीज होनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है. और ये पूरा डेटा हमें डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा मिल रहा है, ऑफ ऑस्ट्रेलिया नॉट इंडिया. चलो अब बात करते कि कौन कौन से स्टेट्स हमें देखने को मिलते जिनपे यहाँ पे बैन लगाया गया, सिंपल सी बात है, ठीक है. तो यहाँ पे जो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है जिसने आपका हाल ही में इन पे बैन लगाया गया, इन्होंने बोला है कि हमने यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और गुजरात, ठीक है, ये तीन स्टेट पे तो इन्होंने बैन लगाया कि हमें यहाँ पे इधर के जो स्टूडेंट्स हैं हम इनको अलाउ नहीं करेंगे. और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं पढ़ते हैं, कुछ टाइम पढ़ते फिर यहाँ पे ड्रॉप आउट लेते फिर यहाँ पे नौकरी की तलाश में चले जाते. ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है वैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कई सारे इंडियंस क्या करते हैं स्टूडेंट वीज़ा लगा लेते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लेते ड्रॉप आउट ले लेते और यहाँ पे फिर वहाँ पे नौकरी करना शुरू कर देते, ठीक है. तो ये इंडियंस के एम्बिशन तो आपको पता कुछ ज़्यादा ही होते. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है. अब देखो यहाँ पे जो डेटा है ना ये बड़ा हैरान कर देने वाला है. देखो ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ में टोटल कितने रिडक्शन हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पे पूरा क्लियर कर रहा है. लगभग 20.1% जो एप्लीकेशन है ये आपको रिजेक्शन के तौर पे देखने को मिलते हैं, ठीक है ना. ये आप देखो 2019 की आपको यहाँ पे खबर बता रहा हूँ, ठीक है.
ये 12.5 से लेके आपका 20.1 तक आपका यहाँ पे रिडक्शन इतने सारे बढ़ गए। और यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इंडियंस की बात करूँ ना, इंडिया के लगभग 24.3% हमें रिडक्शंस देखने को मिलते हैं अकेले इंडिया के। दोस्तों ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और इसने इसी हिसाब से पूरे 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और ये बिल्कुल भी सही बात नहीं। सिंस 2012 से हमें आंकड़ा मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मेन कल्प्रेट कौन है, क्या इंडियन स्टूडेंट्स या फिर हमें ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे एक मीडिया हाउस है जिसका नाम है द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, ठीक है। इनके द्वारा बोला जा रहा है ये जो एजुकेशन के जो एजेंट्स होते हैं ना, मिडलमैन, ये जो मिडलमैन होता है, देखो ये मान लो आपका इंडियन स्टूडेंट है, ये मान लो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, और ये जो बीच वाला इंसान है ना, ये जो एजेंट होता है, ये आपका सबसे बड़ा कल्प्रेट है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज जो यहाँ पे इंडिया के स्टूडेंट्स पर बैन लगा रही, कुछ ही राज्यों में पर लगा तो रही है, भाई इन पे क्यों लगा रहे हो, इनकी गलती नहीं है। गलती है जो ये भैला फुसला के जो मिडल मैन लाते ना, हमारे इंडियंस जो स्टूडेंट्स है उनको यहाँ पे भैला फुसला के गांव गांव में जाके बोलते हैं कि आप यहाँ पे जाओ अब्रॉड में, ये अपॉर्चुनिटी ये मिलेगा वो मिलेगा, भले वो एलिजिबल हो या ना हो, बट उनको यहाँ पे घुसा देते इस चीज में, ठीक है ना। तो मेन जो कल्प्रेट है आप उस पर एक्शन लो ना, क्योंकि यहाँ पे खुद बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कई सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे इन्हीं मिडल मैन को $1,000 से भी ज्यादा पेमेंट करती है। आप समझ रहे हो, आपका एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे लगभग 53 इंडियन रुपी है ना, यहाँ पे लगभग 53,000 इनको यहाँ पे इवन ज्यादा इनको दिया जाता है कि आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिक्रूट करो, ठीक है। एजेंट्स का तो काम यही होता है, बट ये पैसों के चक्कर में क्या करते, भर भर के इनको लेके जाते, बेवकूफ बनाते, और यहाँ पे वीजा में भी बहुत सारे घोटाला वगैरह करते ही करते। तो ये इनको पकड़ो ना, ये ज्यादा कल्प्रेट है। बट यहाँ पे देखा जाए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज में अगर देखा जाए पढ़ते पूरा डिग्री वगैरह करते हैं नहीं, कुछ लोग ही, बाकी तो बहुत अच्छे से करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे डिग्री पूरा करते नहीं, ड्रॉप आउट लेते और यहाँ पे जॉब ढूंढना शुरू कर देते। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो ऑस्ट्रेलिया के जो यूनिवर्सिटीज़ है इसको एड्रेस कर रही है और बोली कि यार ऐसा तो नहीं चलेगा। आप अगर यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो पढ़ने आ रहे हो, मतलब मान लो इंजीनियरिंग कर रहे हो, फिर एमएस कर रहे हो, ठीक है, 2 साल करो 1 साल करो तो पूरा करो। आप इसके बहाने जॉब अगर ढूंढने आ रहे हो तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है, हमारा यहाँ पे इमेज खराब होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ट्रेंड है ना, ये बहुत देखने को मिला है। जैसे अब बात करें, एक और यूनिवर्सिटी ने हाल ही में फरवरी में ये बहुत बड़ा स्टेप उठाया था, इसका नाम है एडिथ कॉमन यूनिवर्सिटी, ये पर्थ का है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, सीधा प्रोहिबिशन कि हम यहाँ पे पंजाब हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं हम इनको यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। इवन यहाँ पे विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, हम यहाँ पे 8 इंडियन स्टेट्स इंक्लूडिंग पंजाब हरियाणा, साथ ही साथ यूपी राजस्थान गुजरात, ठीक है, इवन यहाँ पे उत्तराखंड भी आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे एक तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते इन यूनिवर्सिटी में। बट अब दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है, देखो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे, ठीक है, अच्छी खासी बातचीत हुई है, मेजर डेवलपमेंट्स हुए, बट सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। ऑन अ वेरी इंडिविजुअल स्केल हमें पहले समझना पड़ेगा हम अब्रॉड क्यों जा रहे हैं। अगर यहाँ पे पढ़ने जा रहे तो भाई पढ़ने जाओ, फिर आप यहाँ पे उसको ड्रॉप आउट लेके फिर यहाँ पे नौकरियां ढूंढ रहे हो, और इवन यहाँ पे कोई खास नौकरियां भी कोई लोग नहीं करते, टैक्सियां वगैरह ही चलाते हैं, ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे जो मिडल मैन है, जो एजेंट्स है ना, पहले हमें इन पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारे जो मासूम बच्चे ना, उनको इतना ज़्यादा पता नहीं होता है, वो बड़े बड़े ब्रोशर्स देके प्रोस्पेक्टस देके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो यहाँ पे बहक जाते हैं और अप्लाई कर देते हैं, बट क्या वो सही में लायक है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। बट बहरहाल यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे बोला कि देखो जो बैन है कुछ महीनों का रहेगा, जैसे यहाँ पे बोला भी गया है, बट हाँ हम इसमें कुछ मेजर जरूर लेंगे और एड्रेस करेंगे सिचुएशन को, ये पूरा मामला है क्या। बट हाँ, मिडिल मैन की सबसे बड़ी गलती है, इतना तो बात क्लियर हो गई। आई होप दोस्तों ये जो आज का न्यूज़ है रिगार्डिंग जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स का जो वीज़ा एप्लीकेशन रिलेट हो रहा है, आपको यहाँ पे अच्छे से पता चल गया होगा, क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आपको यहाँ पे जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों अगर आप यहाँ पे SSB इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो तो SSB क्रैक एग्जाम्स हमेशा इसके रिगार्डिंग कोर्स लाते लाता है, बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों अगर आप यहाँ पे डिफेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, जैसे NDA, FCAT, CDS, तो आपको कहीं भी नहीं जाना, आपको सिर्फ आना है SSB क्रैक एग्जाम की वेबसाइट में। बहुत सारे अमेजिंग कोर्स आपको इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों डोंट फॉरगेट, अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स अवेल करना है तो आपको सबसे पहले तो कोड Warrior10 लगाना बहुत ही जरूरी है। वॉरियर हो तो Warrior10 कोड लगाओ और हमारे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट पाओ। तो गाइस इसी जसबीर जुनून के साथ मैं आपको मिलता हूँ कहने टॉपिक के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप
SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।